नमस्कार, एंकर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां प्रियंका गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। इससे पहले कल ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई थी। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल ही लखनऊ से दिल्ली लौटी थी। वो दो दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर के लिए लखनऊ गई हुई थी। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि मैं कोविड संक्रमित हो गई हूं, मुझे कोरोना के हल्के लक्षण हैं। सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए मैंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। गुरुवार को सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हो गई थी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसकी जानकारी दी थी। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा था कि सोनिया गांधी पिछले दिनों जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिली थी, उनमें से भी कई कोरोना संक्रमित निकले हैं। सुरजेवाला के मुताबिक सोनिया गांधी को बुधवार शाम को हल्का बुखार आया था। इसके बाद हुए कोविड टेस्ट में वह पॉजिटिव आई हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर में कल रात हुए गैंगवार में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक दोनों गुट में आपसी पुरानी रंजिश के चलते गैंगवार हुआ, जिसमें मृतक हरिश्चंद यादव की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने दो आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ये पूरा मामला अभनपुर थाना इलाके का है, जहाँ पुलिस मामले में शामिल आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी कर खुलासा करने का दावा कर रही है। रात में थाना अभनपुर के अंतर्गत जो गांव है गातापर, वहां का रहने वाला हरीश चंद यादव, जो कि पूर्व में गुंडा बदमाश है और पहले भी कई प्रकरण में जेल जा चुके हैं, उसके आरोपियों द्वारा हत्या कर दी गई है। जिसकी सूचना मिलने पर रात को थाना प्रभारी और सीएसपी और क्राइम ब्रांच की टीम उपस्थित होकर के आसपास पता किए। पता करने पर आरोपी जो राजू बंजारे हैं और आकाश मरकाम है, वो दोनों को गिरफ्तार किए हैं और प्रकरण में दो अन्य आरोपी होने के संबंध में जानकारी मिली है, जिनकी पतासाजी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बरकी गेट के रेलवे ट्रैक पर 16 वर्षीय नाबालिग युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है। मृतक युवक के भाई का आरोप है कि शाहिद और उसके दोस्तों ने मेरे भाई को बंधक बनाकर रखा था। सूत्रों की माने तो मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा है। हालांकि इसके पहले भी मृतक सौरभ प्रजापति का जनवरी 2022 में अपहरण किया था। इस मामले की जांच पुलिस दोनों एंगल से कर रही है। आज कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग युवक की डेड बॉडी मिली है, उसमें हमने मर्ग कायम किया है और अभी पोस्टमार्टम आज ही करवाया है और उसके साथ में जो उनके परिजन हैं उनके अभी स्टेटमेंट थाना कोतवाली पे लिए जा रहे हैं और इसमें जो है मर्ग जांच के उपरांत जो भी इसमें विधिवत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उन लोगों ने वहाँ बुलाया बरगी में जी। मेरे से बोलने लगा कि मेरे को वहाँ छोड़ दो यार हेमंत भैया, या फिर गाड़ी दे दो आपकी, तो हमने हम छोड़ दे रहे हैं। छोड़ने के लिए गए सर, उधर से दो तीन लड़के ऊपर छत पे से उतरे और उसको मारने पीटने लगे। छतरपुर में कलेक्टर बंगले के बाजू में अतिक्रमणकारियों ने दिन दहाड़े कब्जा कर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर आम रास्ते को बंद कर दिया, जिससे रहवासियों और स्थानीय दुकानदारों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी ओमपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि मामले में शिकायत मिली है, जांच उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएमओ ने कहा कि अगर आम रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है तो अतिक्रमण को सख्ती से हटा दिया जाएगा। आपका डिब्बा रखा हुआ था, किसने हटवाया? नगरपालिका वाले आए थे। नगर पालिका वाले वहाँ पर रास्ते में जो मकान बन रहा है उस वजह से हटाया क्या हमने? हम जो नहीं बताते हैं, बोले आप तो काफी दिन से डिब्बा रखे हैं यहाँ पे। तो वो है 15-20 साल। क्या काम करते हैं आप? कटिंग का काम करते हैं। 15-20 साल से कर रहे हैं तो नगर पालिका में 25 साल से हुआ रखा था पहले, वहाँ से वहाँ रखे ज्यादा। क्या वजह मानते हैं, क्यों हटवाया गया? आप बताइए। होते तो नगर पालिका वाले आए, बोले जो हटाओ जो डब्बा हटना है इनका, हमारा दूर कल ये मामला संज्ञान में आया था, इस पर दल को वहाँ भेजा गया था। उसके पश्चात उन्होंने कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराए थे नगर पालिका को, अपने स्वामित्व संबंधी रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेज। इसके संबंध में तहसीलदार महोदय से भी बात हुई थी, तो एक इंजीनियर और रेवेन्यू की संयुक्त टीम बना करके वहाँ जाँच कराई जा रही, और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक रास्ता बंद किया जा रहा है तो उसको निश्चित तौर पर रोका जाएगा। अगर कोई निर्माण कर लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन व नगर पालिका ने अभियान शुरू कर दिया है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में शुक्रवार को मुख्य बाजार व माल रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। उस दौरान टीम ने हजारों रुपए के चालान काटे और अतिक्रमण वाली जगहों को चिन्हित किया गया, साथ ही अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी गई। हम लोग लोगों को भी समझा रहे हैं और इसमें चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन लोगों का सहयोग भी हमको मिल रहा है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे तो उनके हमने चालान भी किए हैं, और अगर फिर से वो हमको मजबूर करते हैं तो उनके खिलाफ फिर हम लोग मुकदमा दर्ज करवाएंगे। शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने मौत का कारण चिकित्सकों की लापरवाही बताया है और पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल पूरा मामला 16 दिन पहले शुरू हुआ था, जहां मृतक गिरीश बलवाल को राकेश गांधी ने अपने बेटे के साथ मिलकर पीटा। बता दें कि मृतक ने राकेश नामक युवक को 500 रुपये उधार दिए थे। मृतक गिरीश के रुपये मांगने पर राकेश उसे मना कर देता था। तभी एक दिन राकेश ने रुपए देने के बहाने मृतक को घर में बुलाकर बेटे के साथ मिलकर मारपीट की। गिरीश ने आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मृतक गिरीश के परिजनों ने चिकित्सकों पर आरोप भी लगाए। ना ही हमें पुलिस से ऐसा वो सहयोग मिला, अपराधी खुलेआम घूम रहे और हम हॉस्पिटल में आ रहे हैं, हमें यहाँ से कह रहे हैं रेफर करने को कह रहे तो दूसरा डॉक्टर हमें कहता है कि ये इलाज यहीं हो जाएगा, और उसके बावजूद यहाँ पे अगर टेस्ट की कोई रिपोर्ट देते हैं उसके लिए हमें नहीं बताया जाता, इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि ये आपने टेस्ट कराना है, और वो टेस्ट को जब हम दोबारा डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं आपने ये टेस्ट नहीं कराया। हमने कहा नहीं, हमें कोई वो नहीं है। फिर हम यहाँ आके कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं कि ये हमारा काम है अपने तरीके से करेंगे। और पुलिस प्रशासन का ये है कि आज इस केस को हमने 19 तारीख को हमने दर्ज कराया और 12वें दिन उसकी यहाँ पे आके मरीज के आगे बयान लिया गया कि क्या हुआ करके 12 दिन बाद, और उसके बाद अभी तक जो अपराधी है खुलेआम घूम रहे हैं और आए दिन हमको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हमें मार देंगे। अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मरीज हमारे पास देश से आया था रिफर होके, इनके कोल्हे में फ्रैक्चर था और इनकी ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, लेकिन भर्ती होने के बाद 2-3 बार जांचों में पता चला कि इनके लीवर की सब जांचें और किडनी की जांचें सब गड़बड़ हैं, और पहले से भी ये ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल बहुत पीते थे, और तो इसके कारण जो ऑपरेशन अभी टाला गया, हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था इनका, उन पर हमारी तैयारी चल रही थी, ब्लड चढ़ रहा था और जाँचें चल रही थी बेहोशी वालों की, इस दौरान जो है कि वो ठीक थे चल रहे थे, अभी कभी सुबह हमें पता चला कि ज़रा सा वो उनको सांस नहीं ले रहे हैं, हिला नहीं रहे हैं, उनको बताया गया तो हम लोग भागे भागे आए। सतना जिले के मझगवां ग्राम पंचायत में आदिवासी पानी के संकट से जूझ रहे हैं। इसका कारण पूरे गांव में एकमात्र कुआं है जो नवंबर दिसंबर माह से पानी नहीं दे पाता। वहीं पीएचई विभाग द्वारा पूरी आदिवासी बस्ती में नल जल योजना के तहत पानी की सप्लाई के लिए गांव में पाइपलाइन डाली गई थी। बाकायदा हर घर में नल के टोटे भी लगाई गई है, लेकिन वह बस नाम के लिए लगी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बाहर सिर्फ एक नल में ही पानी आता है, वह भी हफ्ते में एक या दो बार, जिसमें पूरे गांव के लोग सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक नंबर लगाकर बैठे रहते हैं। वहीं सुबह से शाम तक सिर्फ पीने के लिए ही पानी मिल पाता है। 11 बजे तक औरतें और लड़कियां नंबर लगाए रहती हैं। पानी की इतनी दिक्कत थी कि बहुत से लड़के बीमार हो गए, अस्पताल में एडमिट थे अभी तक, और यहाँ कुआं है अपने यहाँ तीनों की कुआं बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। इतनी भारी दिक्कत है कि अब लड़के बच्चे सब बीमार हैं। मैं अभी इलाज करा के आया, पानी की दुकान का सारा दिन दोपहर में खड़ी थी यहाँ, तो पानी की वजह से अभी इलाज करवा के आया हूँ। सबकी तो हालत खराब है, कुआं में देखे तो कुआं में भी पानी नहीं है, और लेडीजे हैं तो हम लोग खुद दवा करा के चली आ रहे हैं। पानी नहीं छूछे चल गए, कल 9 बजे तक बैठ रह गए रात, पानी ही नहीं मिल रहा, और वही आदमी परार बैठ रहा था, एक एक लोटिया पानी निकारित है यहाँ से।
टिहरी के चंबा ठाक धार से कोड़िया के बीच पर्यटकों के लिए साइकिल ट्रैकिंग का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। उन्होंने कहा कि अब पर्यटक देवदार बांज बुरहांस के बीच घने जंगल में साइकिल से ट्रैकिंग कर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले सकेंगे। वहीं 5.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग के लिए पर्यटकों को 500 रुपये शुल्क देना होगा। ऐतिहासिक के साथ वो जीते और चंपावत के लोगों का बहुत बहुत आभार। उन्होंने विकास के प्रति अपनी एक प्यार और ललक दिखाई और एक तरफा संभवतः लोकतंत्र के इतिहास में इतनी बड़ी जीतें बहुत कम देखने को मिलती हैं और मुझे विश्वास है कि इसके बाद हम जब सरकार और तेज गति से काम करेगी। जहाँ तक पैटर्न के क्षेत्र की बात है, हमारे राज्य में पैटर्न की अपार संभावना है और ये प्रदेश को पैटर्न प्रदेश के नाम से भी इसकी पहचान है। आज आप देख रहे हैं कि एक समय हम लोग यात्रियों को बुलाने के लिए विज्ञापन निकाला करते थे कि आओ केदारनाथ आइए, बद्रीनाथ आइए, गंगोत्री आइए, यमुनोत्री आइए। आज ये इस तरह से स्थापित धाम है कि आज बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमको निवेदन करना पड़ रहा है कि सीमित संख्या में है। लगातार भीषण गर्मी की वजह से बिजली के तार व इलेक्ट्रॉनिक सामानों में शॉर्ट सर्किट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। दरअसल मामला थाना सासनी गेट के अंतर्गत फूल चौराहे का है, जहां प्रतिष्ठित मिठाई कारोबारी के प्रतिष्ठान में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं प्रतिष्ठान के मालिक सुमित गोयल का कहना है कि अभी नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। आग से दुकान में रखा पैकिंग का सामान जलकर खाक हो गया। चौराहे के पास एक दुकान में आग है, तो आगे पता लगा कुंजी लाल दालसे वाले हैं, इनकी दुकान में आग थी। फर्स्ट फ्लोर पर आग थी, इसमें गत्ते के जो डब्बे होते हैं वो रखे हुए थे, प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था, उसी के बराबर में कोई इलेक्ट्रिकल सामान जैसे सर्वर कुछ रखा हुआ था इस तरह का, तो उसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है। सर्किट से जो डब्बे थे गत्ते के, उसमें आग लगी। तुरंत हमारी टीम ने आगे तुरंत ऊपर गए, फर्स्ट फ्लोर पर जाके उसको आग को बुझा लिया। इनके द्वारा भी अपने एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझाने की कोशिश की गई आग, वो नहीं बुझी उस टाइम पे, तो जब फायर सर्विस आ गई यहाँ पे तो तुरंत आग को बुझा दिया गया। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दोनों सीटों पर परिणाम आ चुके हैं। वहीं दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए हैं। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था, जबकि JCCJ की तरफ से डॉक्टर हरिदास भारद्वाज ने नामांकन भरा था, लेकिन उनका नॉमिनेशन 1 जून को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में कोई भी उम्मीदवार नहीं था। छतरपुर जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला शुक्रवार का है, जहां एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतिका के पति संदीप पांडे ने बताया कि देर रात प्रसव पीड़ा के चलते मैंने अपनी पत्नी नीति पांडे को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर्स की लापरवाही से मेरी पत्नी की मौत हो गई। वहीं पूरे मामले में इंचार्ज CMHO डॉक्टर GL अहिरवार ने बताया कि देर रात महिला को भर्ती कराया गया था, जिसकी हालत गंभीर थी। वहीं ड्यूटी पर डॉक्टर रचना चौरसिया ने तत्काल मरीज का उपचार शुरू किया। वहीं मृतिका के पति संदीप पांडे ने अपने परिजनों पर भी पत्नी के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जिला चिकित्सालय छतरपुर में 3 जून 2022 को रात्रि 2:10 पर मुझे ऑन ड्यूटी डॉक्टर रचना चौरसिया ने बताया कि सर, जिला चिकित्सालय में एक महिला नीति पांडे पत्नी संदीप पांडे भर्ती हुई थी, जिसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। उसका ब्लड प्रेशर 194/124 था और अत्यधिक गंभीर अवस्था में लाई गई कि प्रेग्नेंट थी, तो ड्यूटी डॉक्टर ने उसको तुरंत भर्ती करके उनका उपचार चालू किया और मेडिकल स्पेशलिस्ट एवं गायनेकोलॉजिस्ट को तत्काल कॉल किया। उन्होंने अत्यधिक प्रयास किया, क्योंकि महिला की स्थिति अत्यधिक गंभीर थी। गंभीर होने के कारण 2:40 पर उन
उनको बचाया नहीं जा सका। मैं उसको रात्रि को लगभग 1-1.5 बजे लीवर पेन और हाई बीपी की वजह से मैं लेके आया था और यहाँ कुछ देर ही ट्रीटमेंट चला, उसके बाद वो एक्सपायर हो गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अनियमित कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, वहीं सभा आयोजित कर सरकार को चेताया। मामले को लेकर गोपाल प्रसाद साहू ने कहा कि 3 साल में अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, सरकार ने वादा किया था लेकिन अभी तक वादा अधूरा ही है। वहीं कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन भी वृद्धि रोक दी है। इन सभी को लेकर कर्मचारी संघ में भारी आक्रोश है, जिस चीज को लेकर आज राजधानी के बूढ़ा तालाब स्थल पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।